हेलो गाइस, जैसे महापूज का वेलकम टू माय न्यू वीडियो अपना चैनल महापूज ब्लॉग्स। तो कैसे आप लोग, उम्मीद है बहुत बढ़िया रहेंगे। रेगुलर की तरह मैं अपना ड्यूटी करने के बाद थोड़ा बहुत डिस्कस करता हूँ आप लोगों के साथ। बहुत सारे लोगों को इन्फॉर्मेशन मिल रहा है और मैं भी अपना जो एंटरटेनमेंट, मेरा जो ड्रीम वो करता रहता हूँ। अल्टी में अपना सपना है, मैं कुछ ना कुछ अपडेट देता रहूंगा आप लोगों को, वीडियो बनाता रहूंगा, तो वही करता रहता हूँ। मैं मेगा कंपनी में काम करूँ, आप लोगों को मालूम है मेगा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड जिस कंपनी में काम करूँ। तो ये कंपनी बेसिकली जो है हाइड्रोकार्बन का है, ट्रांसपोर्टेशन रोड पोर्ट बनाते हैं, पावर इरिगेशन ड्रिंकिंग वाटर मैन्युफैक्चरिंग, इसका अलग अलग पार्ट है। इसमें लिए हमारे महाराष्ट्र में बहुत सारा प्रोजेक्ट है, वाटर सप्लाई एंड इरिगेशन का, ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई का 4 प्रोजेक्ट जिसमें मैं काम कर रहा हूँ अभी। और अभी नया प्रोजेक्ट शिरडी में शुरू होने वाला है। शिरडी नाम पता है, साई बाबा का जो टेम्पल है वहीं पे एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनने वाला, उसका प्रोजेक्ट मिला कंपनी को, हमारा इस कंपनी को मेगा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड को मिला है, वो करेगा। यही से हम लोग को कंट्रोल होता है, इसीलिए पता चलता है। हमारा एक ही एजीएम है, एसोसिएट जनरल मैनेजर, वो अभी प्रमोशन होकर डीजीएम बन गए हैं, डेप्यूटी जनरल मैनेजर, तो उनके अंडर ही है और हम लोग भी उनके अंडर ही काम करते हैं। तो पता चलता रहता है, आप लोग को शेयर करेंगे कब इंटरव्यू है नया प्रोजेक्ट के लिए। उस प्रोजेक्ट के लिए नया नया इंटरव्यू होने वाला है। हमारा जो औरंगाबाद सिटी है उसी पर हमारा इंटरव्यू लोकेशन है, 14 अगस्त को। डिटेल्स बताऊंगा आप लोगों को कल। तो आज जो बात करेंगे वो मेरा बात करने का टारगेट है सिविल कॉन्ट्रेक्टर को लेके। जो लोग ठेकेदार होता है ना, लेबर वेबर सप्लाई करते हैं और काम करते हैं, सिविल का कोई स्ट्रक्चर बनाता है, टैंकी बनाते हैं, एमबीआर, तो अलग अलग लोकेशन का होता है, उन लोगों को बात करेंगे कैसे कैसे रेट रहता है। आप लोग अगर काम करना चाहेंगे तो मेरे साथ बात कर सकते हैं, क्योंकि मैं प्लानिंग बिलिंग में काम करता रहता हूँ, तो मेरे को पता है क्या क्या रेट है, नहीं है, कैसे पेमेंट होता है, सब कुछ मैं आप लोगों को बताऊंगा। अगर अच्छा लगेगा तो लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा। तो पहले से लेकर लास्ट तक शुरू कीजिएगा कैसे कैसे रेट है। तो नॉर्मल हमारा जो क्वांटिटी बेसिस जो रेट रहता है, पहले उसके बारे में बात करेंगे, क्योंकि कोई भी स्ट्रक्चर बनेगा तो उसमें क्या होगा, पीसीसी होगा, आरसीसी होगा और स्टील बाइंडिंग, बेंडिंग, काटिंग, ये सब होगा। देन आपका सटरिंग होगा, बार बोर्ड मेकिंग होगा, बोर्ड रीमेकिंग होगा, जो सब रहता है सिस्टम। जो लोग काम करते रहे तो ठेकेदार, बहुत सारा हमारा बंगाल का, बिहार का, झारखंड का लोग ठेकेदारी करते रहते हो यहाँ बाहर पैसा कमाने के लिए, तो वो लोग यहाँ पे आ सकते हो। तो मैं बात करूंगा महाराष्ट्र में जितना भी प्रोजेक्ट है हमारा, उसका जो रेट है उसी के बारे में बात करेंगे, डिस्कस करेंगे। पहले तो हमारा पीसीसी का जो रेट है, पर क्यूबिक फीट में हम लोग रेट देते हैं। बहुत सारा जगह पे क्या देता है, पर फीट में, क्यूबिक फीट में देते हैं, सीएफटी में, तो हम लोग क्यूबिक मीटर में रेट निकालते हैं। तो एक क्यूबिक मीटर के लिए जो पीसीसी है उसका रेट है 450 रुपीज, 460 रुपीज है पर क्यूबिक मीटर में रेट। एंड आरसीसी करेंगे तो आरसीसी के लिए अलग अलग रेट है। वो क्या, अगर रैप के लिए है तो रैप के लिए अलग सा रेट है, उसके बाद रैप के ऊपर से लेकर 3 मीटर हाइट तक अलग रेट है, 3 मीटर से लेकर 6 मीटर तक, 6 मीटर से लेकर 9 मीटर तक, ऐसे अलग अलग हाइट रहता है। तो जो रैप के लिए रेट है हमारा आरसीसी के लिए, रेनफोर्समेंट स्टील स्ट्रक्चर के लिए, जहाँ पे सरिया रहेगा उसके लिए 580 रुपीज रहेगा, मतलब 3 मीटर तक हाइट के लिए। 3 मीटर से ऊपर जाएंगे तो 700 रुपया रेट रहेगा। एंड 3 मीटर, 6 मीटर, 3 से 6 मीटर तक जाएंगे तो आपका रहेगा 700 मीटर, 700 रुपया पर क्यूबिक मीटर। और क्या बोलते हैं, 6 मीटर से 9 मीटर हाइट तक करेंगे तो उसके लिए मिलेगा 750 रुपया। फिर 9 मीटर से 12 मीटर तक जाएंगे तो 850 रुपया उसका रेट है, पर क्यूबिक मीटर के हिसाब से बोल रहा हूँ मैं। एंड 12 के ऊपर जाएंगे तो उसका रेट है 890 रुपीज, मतलब 900 रुपया आपको पर क्यूबिक मीटर, ये रेट है हमारा स्टील का। अभी आप आ जाएंगे, सटरिंग होगा, कोई भी स्ट्रक्चर बनाएंगे तो उसके लिए हमारा सटरिंग करना पड़ता है, मतलब कैसा है, स्टील का सटरिंग होता है इसके बिल्डिंग मटेरियल से, नहीं तो हमारा बोर्ड मेकिंग से करके सटरिंग करने का, बीम करेंगे और स्लैब करेंगे तो सटरिंग करना पड़ता है, स्टेजिंग करना होता है, तो उसके लिए अलग अलग सटरिंग का रेट है। तो पीसीसी के लिए जो सटरिंग का रेट है वो 200 रुपया पर स्क्वायर मीटर, तो सटरिंग जो होता है वो स्क्वायर मीटर में रहता है। फिर आपका 3 मीटर हाइट तक रेट रेट अलग चला जाएगा, 3 मीटर हाइट तक जो रेट है आपका 230 रुपया, 3 से 6 मीटर तक रेट है 260 रुपया, और आपका 6 मीटर से 9 मीटर के लिए 320 रुपया है, एंड 9 मीटर से 12 मीटर के लिए 350 रुपया, उसके 12 से ऊपर जाएंगे तो 370 रुपया इसका रेट है। अभी आएगा हमारा स्टील बेंडिंग, स्टील काटिंग, बेंडिंग और बाइंडिंग सब मिला के जो रेट रहेगा, तो 16 हमारा अलग अलग सरिया रहता है, 8 mm का, 10 mm का, 12 mm का, 16 mm का, 20 mm का, 25 mm का, 32 mm का सरिया रहता है स्ट्रक्चर में। तो अप टू 16 mm तक, 16 mm तक आपका रेट रहेगा 6,500 पर मेट्रिक टन। अगर एक टन बाइंडिंग करेंगे तो 6,500 रुपया मिलेगा। एंड 16 mm तक, अगर 16 से ऊपर जाएंगे 20 mm, 25 mm, 32 mm, उसके लिए आपका रेट रहेगा 6,000 रुपये। यह हमारा स्टील बेंडिंग, बाइंडिंग, कटिंग का रेट है। अभी आपका ब्रिक वर्क रहेगा, ब्रिक वर्क मतलब जो इटाई होता है, इटाई गाथनी के लिए अलग अलग रेट रहेगा,
उसके लिए क्यूबिट में कितना रेट है, तो अलग अलग उसका भी हाइट रहता है। 3 मीटर हाइट तक आपका 1000 रुपया पर क्यूबिक मीटर में, मतलब ब्रिक वर्क के लिए होगा। 1100 रुपया आपका 3 से 6 मीटर के लिए, 6 से 12, 6 से 9 मीटर के लिए 1150 रुपया, एंड 9 में से 12 में 1200 लेके 1200 रुपया पर क्यूबिक मीटर रेट रेट है हमारा। उसके बाद प्लास्टरिंग का रेट कैसा है, प्लास्टरिंग का काम करेंगे तो पर स्क्वायर मीटर में आपका रेट रहेगा 140 रुपीज। प्लास्टरिंग करता है बहुत हमारा बंगाल का बहुत सारा फैन, मतलब हमारा गांव का बहुत सारा आदमी जो ठेकेदारी करता है, प्लास्टरिंग का काम ज्यादा करते हैं वो लोग, तो प्लास्टरिंग का पर क्यूबिक मीटर में रेट है 140 रुपीज। देन आप आ जाएंगे वो जो शटरिंग बोर्ड रिमूविंग करने के लिए, ऑल हाइट में आपका डिसटरिंग के लिए 335 रुपीज पर स्क्वायर मीटर क्यूबिक मीटर में आपको दिया जाएगा। स्टेजिंग के लिए 35 रुपये पर क्यूबिक मीटर, एंड डी स्टेजिंग के लिए 20 रुपये पर क्यूबिक मीटर आपको रेट दिया जाएगा। बोर्ड मेकिंग के लिए अलग अलग रेट है, तो बोर्ड मेकिंग के लिए 60 रुपीज पर क्यूबिक स्क्वायर मीटर में है, एंड बोर्ड रीमेकिंग के लिए आपका 30 रुपीज रेट है। एंड स्टील शिफ्टिंग, हमारा जो स्टॉक एरिया रहेगा जहाँ पे स्टॉक रहेगा हमारा स्टील, वहाँ से आपका साइट लेने जाने के लिए उसके लिए 250 रुपया पर मेट्रिक टन स्टील शिफ्टिंग के लिए आपको दिया जाएगा। अभी अगर हम लोग एनएमआर लेवल लेते हैं पर डे बेसिस में, अगर लेवल कभी लेंगे जरूरत पड़ेगा तो कंपनी ले सकते हैं, उस टाइम पे आपका स्किल के लिए 600 रुपया देगा, नॉन स्किल के लिए 400 रुपया देगा। यही हमारा हर महाराष्ट्र में ऐसा ऐसा काम चल रहा है, ऐसे ही रेट हम लोग दे रहे हैं, जितना भी प्रोजेक्ट चल रहा है महाराष्ट्र में यही महाराष्ट्र के लिए रेट है। तो ये हो गया हमारा सीरीज क्वांटिटी बेसिस रेट। अभी जो हमारा टैंकी बनता है, मतलब वाटर मैन बैलेंस रिजर्व, वहाँ तो थोड़ा बहुत टैंकी नहीं बनाते, हमारा जो टैंकी है वो सब 2 लाख से ऊपर कैपेसिटी, 2 लाख किलोलीटर का कैपेसिटी से ऊपर, 2 लाख मतलब 2 लाख लीटर कैपेसिटी से ऊपर है हमारा, जितना भी टैंकी बनेगा 2 लाख लीटर से ऊपर बनेगा, इसीलिए उसका अलग अलग रेट है। तो मैक्सिमम हमारा जो टैंकी बनेगा वो 6 मीटर से 10 मीटर तक हाइट का ही है, कुछ कुछ एम्बियर हमारा 10 एम्बियर बनेगा हमारे प्रोजेक्ट में, तो 10 के बारे में बात करेंगे। दो तीन है आपका 17 मीटर 18 मीटर का स्टेजिंग है, तो उसके लिए थोड़ा अलग रेट होगा, लेकिन हमारा जो यहाँ पे लीटर हिसाब से है 2 लाख लीटर से ऊपर रहेगा, तो मैक्सिमम 6 लाख 5 लाख 10 लाख 8 लाख लीटर कैपेसिटी का हमारा टैंकी बनेगा, तो उसके लिए 2 रुपया पर लीटर के हिसाब से हम लोग देते हैं। अगर आपका कैपेसिटी जो एम्बियर आप काम करेंगे उसका कैपेसिटी होगा 820 किलोलीटर, मतलब 8 लाख लीटर का आप टैंकी लेंगे तो उसके लिए 2 रुपया पर मिलेगा, तो 16-17 लाख मिलेगा। 8 लाख कैपेसिटी का टैंक लेंगे तो 17 लाख रुपया आपको, 18 लाख रुपया आपको मिलता है पर टैंकी के हिसाब से, लमसम में आपको दिया जाएगा। तो उसमें क्या रहेगा, अलग अलग पोर्शन पे रहेगा। अगर 6 मीटर का मतलब हाइट का आप एम्बियर करेंगे टैंकी बनाएंगे, तो उसके लिए रैप पोर्शन के लिए वहाँ पे आपको कुछ दिया जाएगा, रैप करेंगे तो रैप के लिए आपको 4 लाख रुपया 5 लाख रुपया टोटल, अगर आपको हो गया जैसे होगा 8 लाख लीटर का लिया है, 8 लाख लीटर कैपेसिटी का टैंकी बना रहे हैं आप, तो उसके लिए आपको फीस दिया जाएगा 18 लाख रुपया दिया जाएगा, 18 लाख उसमें से अलग अलग पोर्शन में रैप करेंगे तो रैप के लिए आपको दिया जाएगा 3.5 लाख या 4 लाख दिया जाएगा। उसके बाद हाफ स्टेजिंग करेंगे, अगर 6 मीटर हाइट का हमारा टैंकी बनेगा तो 6 मीटर के लिए आपको हाफ स्टेजिंग करेंगे तो उसके लिए वहां पे 4 लाख दिया जाएगा, फुल स्टेजिंग करेंगे तो आपको वहां पे 4 लाख दिया जाएगा। एंड देन टॉप हमारा बॉटम स्लैब रहेगा, तो स्लैब के लिए आपको वहां पे 4 लाख, सिलिंड्रिकल वॉल रहेगा वॉल के लिए आपको 3 लाख 4 लाख जो भी रहता है।